हाय गाइस, मैं हूं शेफ नवेद खान और आज की जो हमारी डिश है वो है पीनट बटर कुकीज़ जो एगलेस है। तो उसके लिए हम जो ले रहे हैं पीनट बटर ले रहे हैं। मैं यहां पे पीनट बटर 1/4 कप से आधा कप यूज़ कर रहा हूं, ठीक है। और जो हम बटर ले रहे हैं यहां पे मैंने दो तरीके के, थोड़ा सा मेरे पास सॉल्टेड बटर है तो मैं वो भी यूज़ कर रहा हूं और बाकी मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ करूँगा। लगभग 100 ग्राम के आसपास हम बटर लेंगे। शुगर यहाँ पे मैं वही कास्टर शुगर या जिसको ब्रेकफास्ट शुगर बोलते हैं वही यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 1/4 कप है। फ्लावर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 कप के आसपास, 3/4। अगर आप इसको 1/4 ले रहे हैं पीनट बटर, अगर आप 1/4 ले रहे हैं तो 3/4 आप फ्लावर लें, और अगर आप आधा कप के आसपास पीनट बटर लेंगे तो 1 कप आप फ्लावर लें। यहाँ हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे 1/8 टीस्पून। अगर आपका पीनट बटर अनसॉल्टेड है, उसमें नमक नहीं है, तो आप सॉल्ट डालिए, और अगर आपका जो पीनट बटर है वो सॉल्टेड है उसमें नमक है तो आप नमक को स्किप कर दें। हम यहाँ पे मिल्क और वॉर्म वाटर, इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, वो हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे या वनीला एसेंस भी बोलते हैं जिसको, आधा चम्मच डालेंगे, आधा छोटा चम्मच। और जो हमारा कुकिंग टाइम है वो है 180 सेल्सियस, और जो कुकिंग टेम्परेचर है वो है 180 सेल्सियस, और जो कुकिंग टाइम है हमारा वो है 10 से 12 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग सकते हैं। इतने में हमारा जो कुकी है वो एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो आगे का मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, जब तक आप देखिए। पीनट बटर बनाने के लिए हमें जो बटर चाहिए, हम अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्टेड बटर ऐड करा है। तो मैं लगभग यहाँ पर 70 से 80 ग्राम ये मक्खन अनसॉल्टेड वाला और डाल रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले से इसमें इतना ही सॉल्टेड वाला यूज़ कर रखा है। अभी हम इसको अच्छे से पहले क्रीम करेंगे। इसमें मैं ये 1/4 कप है ये शुगर है, पाउडर शुगर ये डाल रहा हूँ, और 2 चम्मच और मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर रहा हूँ मैं ये। आप चाहें तो इस पाउडर शुगर की जगह जो ब्राउन शुगर आती है या जैगरी आता है, जैगरी मतलब गुड़ वाली जो चीनी आती है, या फिर ब्राउन शुगर होती है, आप इस वाइट शुगर की जगह आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर हमने क्रीम कर लिया था, ये मैं सनड्रॉप का पीनट बटर यूज़ कर रहा हूँ, सनड्रॉप का पीनट बटर है ये। लगभग मैं 4 से 8 चम्मच डालूँगा। 4 से 8 चम्मच का मतलब है, अगर हम 4 चम्मच ले रहे हैं तो 1/4 कप, और 8 चम्मच ले रहे हैं तो आधा कप। ये मैंने आधा कप पीनट बटर डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये मैं 1.5 आधा छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रहा हूँ, एसेंसिया एक्सट्रैक्ट, लगभग इतना ही 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं ये। आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसमें 1 कप मैदा डाल रहा हूँ, ये 4 चम्मच और मैदा है, थोड़ा सा ये और डाल रहा हूँ, करेंगे एकदम। इसमें मैंने सॉल्ट इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जो हम पीनट बटर यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्टेड है। अगर आपके पास सॉल्टेड पीनट बटर नहीं है तो आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे,
इसमें लगभग मैं 1/4 कप से थोड़ा सा कम मिल्क डालूँगा। 1/4 कप एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। मैंने इसमें दूध जो डाला था तो थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, तो ऐसे मैंने ये 3 शेप दी हैं। बाकी की जो मैं 3 और इसमें डाल रहा हूँ वो नॉर्मली आप वैसे भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पाइपिंग बैग से ही डालें। आप इसको एक स्पून की मदद से थोड़ा सा गोल सा शेप दीजिए, हल्का सा गोल सा शेप देकर आप इसको हाथ से भी डाल सकते हैं। और थोड़ा दूर दूर रखिए, क्योंकि जब ये फैलेगा तो ये आपस में चिपक सकता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। 180 डिग्री पर मैंने अपना जो OTG है उसको सेट कर रखा है। अब हम इसको उसमें डालेंगे और आपसे बेकिंग के बाद दिखाएंगे इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम बहुत अच्छे बने हैं, कलर जो है इसका एकदम चेंज हो चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, ये अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हैं एकदम, जो कुकीज़ जो हमने बनाई हैं बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। और अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं, अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। अभी हल्का सा ये वॉर्म है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे ज़्यादा ये ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा क्रिस्प, हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा, क्योंकि कुकीज़ हैं, कुकीज़ और बिस्किट में यही का फ़र्क होता है कि जो बिस्किट होते हैं वो क्रिस्प होते हैं और जो कुकीज़ होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।